अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। Our today's topic is biology and the service of mankind, in which we are going to discuss that what role biology played for us and how biology is helpful for us. Basically हम देखेंगे कि biology इंसानियत की कितने तरीकों से मदद की है, ठीक है, in how many ways biology helped mankind. So the science of biology has been helping mankind in many ways, in increasing food production, in combating disease and in protecting and conserving environment. किन किन जगहों पे, किन किन फील्ड्स में बायोलॉजी जो है उसने हेल्प की है मैनकाइंड की, यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने बताई है इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, द सेकंड वन इज इन कम्बैटिंग डिजीज, द थर्ड वन इज इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। अब फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फूड प्रोडक्शन की इंक्रीज में, खुराक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। सेकेंड वन है कम्बैटिंग डिजीज, कम्बैटिंग डिजीज मीन्स डिजीज को ख़त्म करना, बेसिकली डिजीज से, बीमारियों से लड़ने में, इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग और कंजर्विंग एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में बायोलॉजी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है, ठीक है। बायोलॉजिकल एडवांसेज इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ हैव रिजल्टेड इन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्लांट प्रोडक्शन हैज बीन ट्रिमेंडसली इंक्रीज बाय इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वराइटीज एंड डिवेलपिंग न्यू हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज्ड एज फूड। अब क्या हुआ कि प्लांट प्रोडक्शन इंक्रीज की गई है, बेसिकली उसकी वराइटी को इंक्रीज इम्प्रूव किया गया है, ठीक है, बायोलॉजी को यूज करके। अब देखें, फूड जो है वो आपको पता है कि फूड इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स, ठीक है, या फिर फॉर ह्यूमन बींग्स। बेसिकली आप देख रहे हैं कि हमारे लिए जो है, हमारे सर्वाइवल के लिए जो है, फूड जो है वो हमारे लिए नेसेसरी है। तो बायोलॉजी को यूज़ करके हमने जो है फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज की है। मेथड बाकी जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके इसमें यहाँ पे बताया गया कि जो फूड की प्रोडक्शन है वो एक तो इंक्रीज की गई, सेकेंडली उसकी जो है एग्जिस्टिंग वैरायटी को इम्प्रूव किया गया, उसकी यील्ड को इंक्रीज किया गया या न्यू यील्ड प्रोड्यूस की गई, और उसमें डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऐड की गई, किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स को। बेसिकली सोर्स क्या है इंसानों के लिए खुराक का, प्लांट्स और एनिमल्स ही है ना। तो इन दोनों में जो है ना साइंस को, बायोलॉजी को यूज़ कर करके फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, उनकी फूड की वैरायटी को इंक्रीज किया गया, या फिर फूड की जो है ना वो हाई यील्ड प्रोडक्शन होने लग गई। आगे हम उसके मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडर हैव डेवलप्ड थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स न्यू बेटर वराइटीज ऑफ वीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काउ एंड शीप। पोल्ट्री ब्रीडर हैज डेवलप्ड ब्रॉयलर्स फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। Genes for disease resistant and other desirable characters are introduced into plants using the technique of genetic engineering. अब यहाँ पे जो है इन सब फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया गया, ये जो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं विच इज़ बेसिकली द जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस वन, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है हमारे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने डिजायरेबल करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, डिजायरेबल करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, या फिर वी कैन प्लेस द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपनी मर्जी का कोई भी जीन जो है वो किसी भी प्लांट और एनिमल टिश्यू में इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है, किस ताकि उसकी जो है यील्ड जो है वो बेटर हो सके, ठीक है, या मोर फूड प्रोडक्शन के लिए हम लोग ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। और ऊपर एक और टेक्निक उन्होंने बताई कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, बेसिकली इट बेसिकली यूजेस टू कंजर्व द यूजफुल करेक्टर्स ऑफ प्रीवियस एनिमल एंड टू ट्रांसफर द करेक्टर्स इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली यूजफुल करेक्टर्स होते हैं हमारी जनरेशन में, हमारी जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है, अगर हमने उनको, उन करेक्टर्स को कंजर्व करना हम चाहते हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, या फिर सीधा सीधा सा मैं आपको ये बता सकती हूँ दैट सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, जिनसे हमें बेटर फूड प्रोडक्शन मिल सके।
और इसी तरह इसकी एक एग्जांपल ये भी उन्होंने दी गई है जो ब्रॉयलर चिकन आजकल आपको पता होगा इसके बारे में। सेकेंडली मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक को यूज़ करके ना जो है गोल्डन राइस की प्रोडक्शन की गई, विच इज़ बेसिकली द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और गोल्डन राइस में क्या किया गया, पहले क्या होता था, अभी भी बेसिकली ऐसे ही है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है ना वो ब्लाइंडनेस हो जाती है बच्चों में, और बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहती है। तो उस डेफिशिएंसी को जो है ना ओवरकम करने के लिए गोल्डन राइस साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया है बाय यूजिंग द टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग। और वो गोल्डन राइस के अंदर जो है ना उन्होंने मतलब कि मॉडिफिकेशन करके ऐसे जीन्स इंसर्ट किए जो कि बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है, गोल्डन राइस जो है दैट आर गोल्डन राइस आर एबल टू फाइट विद द विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसके गोल्डन राइस के थ्रू फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को जो है वो ख़त्म किया गया। सच ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्लांट्स हैविंग द फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स कैन बी प्रोपेगेटेड बाय क्लोनिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रांसजेनिक प्लांट्स का वर्ड यूज़ किया है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स बेसिकली वो होते हैं, ठीक है, विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, या फिर ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फॉरेन डीएनए जो है इंसर्ट किया गया हो, ठीक है। प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स, ठीक है। अगर ट्रांसजेनिक इसी तरह जैसे ही ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वैसे ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, मीन्स दैट ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया गया उनके सेल्स के अंदर या फिर टिश्यूज के अंदर। सेकेंड हमारे पास जो टेक्निक आ जाती है वो है क्लोनिंग की। क्लोनिंग क्या है बेसिकली, ओके, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बिल्कुल इससे क्या होता है, इससे हम लोग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म्स की बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो टेक्निक यूज होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यूजिंग स्पेशल टेक्निक सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। अब टिश्यू कल्चर टेक्निक हमारे पास क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्लांट किसी भी प्लांट के सेल्स ले लेते हैं, ठीक है, या फिर उसके टिश्यूज ले लेते हैं, उसको फिर एक किसी भी मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हैं, ऐसे मीडियम के अंदर जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट के लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और फिर उसी मीडियम के अंदर हमारे पास छोटे छोटे प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब नेक्स्ट वन इज द प्लांट। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को बायोलॉजी को यूज़ करके फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, ठीक है। अब सेकेंडली क्या होता है, अब हमारे पास जाहिर सी बात है जब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म सॉरी क्रॉप्स होंगी, ठीक है, प्लांट्स आप देख रहे हैं, एक तो उसकी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, दूसरी बात सेकेंडली उसके ऊपर जो है उसको डिजीज से भी तो हमने प्रिवेंट करना है। तो इस फील्ड में मतलब कि उसकी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए किसी भी क्रॉप को या प्लांट को उसमें भी हम लोग बायोलॉजी का यूज करते हैं। सो प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप विच वीकन द प्लांट एंड रिड्यूसेस द यील्ड हैड ट्रेडिशनली बीन कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल फंजिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। अब क्या होता है, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, इंसेक्ट्स अटैक कर देते हैं। जब किसी प्लांट के ऊपर इंसेक्ट अटैक करते हैं तो जाहिर सी बात है प्लांट जो है वो कमज़ोर हो जाता है और उसकी यील्ड जो है, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्शन है फूड की वो भी रिड्यूस हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है उनके ऊपर केमिकल फंजीसाइड का स्प्रे करके और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके, राइट। केमिकल फंजीसाइड्स उन पर स्प्रे करते हैं, फंजीसाइड्स आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड, ठीक है, फॉर टू किल द फंजाई एंड इंसेक्टिसाइड्स आर बेसिकली द केमिकल विच आर यूज टू किल द इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, राइट, इंसेक्ट को ही पेस्ट बोलते हैं। सो यूज ऑफ दीज केमिकल, फिर इन केमिकल्स का क्या इफेक्ट होता है प्लांट्स के ऊपर, यूज ऑफ दीज केमिकल पॉजिज टॉक्सिक टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब हम लोगों ने तो स्प्रे कर लिया उनके ऊपर, ठीक है, स्प्रे के फॉर्म में बेसिकली होते हैं फंजीसाइड, हमने तो स्प्रे कर लिया उनके ऊपर क्रॉप्स पे अपने उनकी अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फंजीसाइड से और इंसेक्ट से सॉरी और फंजाई से, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि वो केमिकल होते हैं तो उनका इफेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे भी होता है और ह्यूमन बींग्स पे भी होता है। जाहिर सी बात है हमने उनको अपने प्लांट्स के ऊपर कर दिया स्प्रे, और वही प्लांट्स को क्रॉप्स को जब हम हार्वेस्ट करते हैं और अपने बाद में फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर तो वो केमिकल का इफेक्ट रहेगा ना, हमने और तो कोई चीज़ यूज़ नहीं की कि वो केमिकल का इफेक्ट भी खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उससे क्या होता है, ह्यूमन बींग पे भी इफेक्ट होता है और इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट होता है।
फिर इसको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या, इस चीज़ से बचने के लिए कि हमने क्या यूज़ किया, हम लोग यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजी को यूज़ करके हम अपने प्लांट्स को फंजिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स से प्रिवेंट कर लेते हैं। वो कैसे? मोर ओवर देयर आर चांसेस ऑफ इंसेक्ट्स बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल। अच्छा, जब हम बार बार प्लांट्स पे और अपने क्रॉप्स पे स्प्रे करते रहते हैं तो क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जो हमारा प्लांट है, सॉरी, जो इंसेक्ट जो है ना, वो रेजिस्टेंट हो जाता है उस केमिकल से, फिर उसके ऊपर उस फंजिसाइड या उस इंसेक्टिसाइड का कोई असर नहीं होता। सो द बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसा कंट्रोल, ऐसी प्रिवेंशन किसी भी चीज़ की जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, एलिमिनेट्स ऑल सच हैजर्ड्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम यूज़ करके इस टॉक्सिसिटी इफेक्ट से बच सकते हैं। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाई यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कम्पीट विद और इवन ईट देम अप। अच्छा, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग जो है पेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेस्ट को हम ख़त्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को यूज़ करके। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स उन पेस्ट को कैसे ख़त्म करते हैं? या तो वो उनके साथ कम्पीट करते हैं और वो उनको खा लेते हैं, ठीक है, और दे ईट देम अप। अब इसकी एक एग्जाम्पल है, एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री इज बींग कंट्रोल्ड बायोलॉजिकली बाय अ वेस्ट दैट पैरासिटाइज दिस एफिड। अब हमारे पास एफिड क्या है? एफिड जो है वो एक मॉस्किटो लाइक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसको जो कि अटैक करता है वॉलनट ट्री के ऊपर। जब जाहिर सी बात है वो वॉलनट ट्री के ऊपर अटैक करता है तो वो उस वहाँ से सक कर लेता है सारे न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को। जब एक ट्री के अंदर से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म हो जाएंगे और उसका जो वाटर कंटेंट है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन वैसे तो नहीं रहेगी जैसे होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल का मेथड यूज़ करते हैं और हम लोग वेस्ट को यूज़ करते हैं। वेस्ट बेसिकली जैसे जो भीड़ होती है उसको हम यूज़ करते हैं। वेस्ट क्या करती है? वेस्ट अटैक करती है एफिड पे, ठीक है, एफिड वॉलनट ट्री पे अटैक करता है, ठीक है, और वेस्ट क्या करती है? वेस्ट एफिड पे अटैक करती है और उसको खा जाती है, ठीक है, वेस्ट एफिड को खा जाती है। इस तरह हम लोग जो वॉलनट ट्री को प्रिवेंट कर लेते हैं फ्रॉम द एफिड अटैक। नाउ सम बैक्टीरिया आर बींग यूज एज बायो पेस्टिसाइड्स। कुछ बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं एज बायो पेस्टिसाइड्स। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर, कुछ ऐसे आप लोगों ने सुना होगा दैट नॉट ऑल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि हमारे लिए ह्यूमन्स के लिए भी इवन के बहुत ज़्यादा ऐसे तो बैक्टीरियाज हैं जो हेल्पफुल हैं, ठीक है, बेनिफिशियल हैं बेसिकली। तो इसी तरह हम लोग कुछ बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं बायो पेस्टिसाइड्स में, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द पार्टिकुलर डिजास्ट्रियस डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीजेज ऑफ प्लांट कैन बी अचीव बाई यूजिंग ऑल रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मैथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। सच एन अप्रोच ऑफ डिजीज कंट्रोल इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब ये बेसिकली क्या इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट? इसके अंदर वो सारे मेथड इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम किसी भी डिजीजेज की प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली हमने उनको क्या कहा है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इट बेसिकली इन्वॉल्व ऑल द मेथड दैट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ डिजीज और फॉर डिजीज कंट्रोल, राइट। ना नेक्स्ट हमारे पास एक और टेक्निक है विच इज द हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मीडियम, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्लांट बाय ग्रोइंग देम इन सॉइल। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, अच्छा, आपको पता है कि सॉइल जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत वाटर कंटेंट भी है और बहुत से डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे लिए उन्होंने कहा है कि इम्पॉसिबल सी बात है कि हम न्यूट्रिएंट रिक्वायर पे कि कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं हम ये पता लगा सके और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सके। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम उसके लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। सो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टन न्यूट्रिएंट इज असेंशियल फॉर द प्लांट और नॉट। इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर टू विच द मिनरल सॉल्ट्स हैव बीन एडेड। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हाउएवर इज येट नॉट फीजेबल, एस्टोनर्स मे यूज इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक फिर एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिसको हम यूज करके ये पता लगा लेते हैं दैट विच न्यूट्रिएंट इज असेंशियल फॉर द प्लांट। हमें पता चल जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट मिनरल जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है।
और इन दिस टेक्निक हम इस टेक्निक में क्या यूज़ करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर बेसिकली जिसके अंदर एयर एडिड होती है आर्टिफिशियली, ठीक है, उसमें ग्रो करवाते हैं और उसके अंदर क्या ऐड होता है, सब उसके अंदर मिनरल्स सॉल्ट न्यूट्रिएंट्स सब ऐड होते हैं, ठीक है। इस टेक्निक को हम यूज़ करके ये पता लगा लेते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, उसको रिक्वायर है, और ये किस लिए यूज़ होता है। हम ये टेक्निक जो है ना ये बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन स्पेस, ठीक है। स्पेस में आपको पता है सॉइल तो नहीं है, तो वो फिर आर्टिफिशियली जो है प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करवाते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक से, क्योंकि उनको पता होता है दैट कि कौन से न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए उस प्लांट को ग्रो, उस प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट, अब आपको पता है हमने फूड प्रोडक्शन में दो चीज़ें पढ़ ली, हमने फूड सॉरी एक तो हमने पढ़ लिया कि फूड प्रोडक्शन की यील्ड को, फूड की फूड प्रोडक्शन की यील्ड को कैसे इंक्रीज किया जाता है यूजिंग द बायोलॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ लिया कि उसको जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेथड को यूज़ करके उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, ठीक है। अब हमने ये नेक्स्ट जो है एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है, कैसी टेक्निक यूज़ करनी है जो कि हम फूड प्रिजर्वेशन में बेसिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि फूड की प्रोडक्शन तो होगी, उसको प्रिजर्व भी तो करना है ना हमने। सो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डिवेलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉयलेज एंड फॉर इट्स यूज एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी। डिफरेंट तरह की टेक्निक्स जो है वो फूड की प्रिजर्वेशन में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, फूड को ख़राब होने से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जब हम जाहिर सी बात है हम फूड को ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें उसकी क्वालिटी भी जो है वो भी डैमेज हो सकती है, इसीलिए हम लोगों ने क्या करना है उसकी फूड की प्रिजर्वेशन के लिए कुछ डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं जिससे हमारी फूड जो है वो ख़राब होने से बच सके, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सके। सो वन ऑफ दीज इज़ पास्चराइजेशन, वन ऑफ दीज इनमें से एक टेक्निक क्या है पास्चराइजेशन विच इज़ डिवेलप्ड बाय लुईस पास्चर, इट इज़ बीइंग वाइडली यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इनमें से एक टेक्निक है पास्चराइजेशन, ठीक है, जो कि डिवेलप किसने की, लुईस पास्चर ने, विच इज़ डिवेलप्ड बाय लुईस पास्चर, और ये यूज़ की जाती है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। ये एक नेचुरल मेथड है जिससे कि हम विच इज़ यूज फॉर किलिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या जर्म्स आपको बाय हीटिंग, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम मिल्क को बेसिकली सपोज बेसिकली आप लोग देख लें, जैसे अब आप लोग घरों में मिल्क को बॉयल करते हैं, हर घर में इवन कि ये प्रोसेस होता है मिल्क को बॉयल करते हैं, क्यों करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम दी जर्म्स फ्रॉम किलिंग फ्रॉम दी बैक्टीरिया, ठीक है। उसके अंदर उन सब चीज़ों को किल करने के लिए हम मिल्क को जो है वो हीट देते हैं, तो ये वो पास्चराइजेशन भी वही मेथड है, ठीक है। इसमें भी हीटिंग के प्रोसेस को यूज़ करके हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्पॉयलेज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज कंट्रोल। देर हैव बीन फैंटेस्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। These pronged actions are usually taken against various diseases. Biology जो है हमने ऊपर पढ़ा कि एक उसका रोल जो था वो फूड प्रोडक्शन में था, सेकेंड वन इज़ इन कम्बैटिंग डिजीज एंड द लास्ट वन इज़ द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉरी कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, राइट। ओके हाँ जी, ये हमारा सेकेंड पार्ट है डिजीज कंट्रोल। तो इसके अंदर हम लोगों ने तीन चीज़ें डिस्कस करनी है, द फर्स्ट वन इज़ दी प्रिवेंटिव मेजर्स, सेकंड वन इज़ दी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, थर्ड वन इज़ दी ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर में क्या है, इसमें हम लोगों ने बेसिकली देखना है कि किस तरह हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह उनसे बच सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर सबसे पहले हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रिवेंटिव मेजर। So biology has the advances in biological sciences have provided us information about the causative agents of the disease and their mode of transmission. Biology में advances जो है उसने हमें क्या, उसने हमें information provide कर दी, ठीक है, about the causative agent. Causative agent क्या होता है, ऐसा agent जो कि disease cause करता है, ठीक है, ऐसा एजेंट जो कि कोई भी बीमारी कॉज करता है, ठीक है, किसी भी बीमारी की वजह बनता है उसको हम कहते हैं कॉजिटिव एजेंट, ठीक है, ऑफ द डिजीज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन लाइक कि वो कैसे जो है वो ट्रांसमिट हुआ है ऑल द ह्यूमन बीइंग में या किसी भी प्लांट या एनिमल में, कोई भी सपोज वायरस है वो किस तरह ट्रांसफर हुआ है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है।
बायोलॉजी ने हमारी मदद की, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की किसके बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में किसी भी डिजीज़ की और उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें पढ़ते हैं, फॉर इंस्टेंस वन वी हैव वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज़ द एड्स। एड्स क्या है हमारे पास, विच इज एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है विच इज़ कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस। एचआईवी क्या है हमारे पास, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स एक बीमारी है जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जो किससे होती है हमारे पास, एचआईवी से होती है। एचआईवी क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक वायरस का नेम है जो कि एड्स कॉज करता है, ठीक है। और एंड इट स्प्रेड्स थ्रू फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब ये स्प्रेड कैसे होती है, ठीक है, कैसे फैलती है, जैसे कोविड 19 फैला है, आपको पता है किस तरह फैला है, ठीक है। आपको पता है जब जैसे ही कोविड 19 आया, सबसे पहले आपको कहा गया कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें, आपको सबसे पहले जो है उसकी मेडिसिन नहीं दे दी गई, सबसे पहले वैक्सीनेशन नहीं आ गई थी, सबसे पहले आपको कहा गया था कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स लें। वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या थे, दैट वियर योर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। तो जब भी कोई डिजीज़ होती है हमने सबसे पहले उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं, ठीक है, उससे बचाव की जो तदाबीर है उन पर अमल करना होता है, उसके स्प्रेड को रोकना होता है बेसिकली। अब जो एड्स है वो कैसे स्प्रेड होती है, एक तो फ्री सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, द सेकेंड वन इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थर्ड वन इज द कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे पहले फ्री सेक्सुअल कॉन्टेक्ट थ्रू और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड हम किसी को देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू एंड बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस जो कि यूज होती हैं बेसिकली, ठीक है। मीन्स कोई इंजेक्शन है वो हमने किसी ऐसे पर्सन को लगा दिया, ठीक है, जो कि एड्स का पेशेंट था, और वही फिर हमने किसी हेल्दी पर्सन को लगा दिया, तो इस तरह एड्स जो है वो थ्रू कंटेमिनेटेड सिरिंजेस या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। सो देयरफॉर डॉक्टर्स एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशंस ऑन दीज फ्रंट्स सो दैट वी डोंट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज विच इज एट प्रेजेंट इनक्योरेबल। इसीलिए डॉक्टर हमें एडवाइज करते हैं कि हम प्रिकॉशंस ले लें, ठीक है, और प्रिकॉशन से ही हम लोग उस बीमारी से बच सकें। एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, सिमिलरली हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस क्या है, हेपाटाइटिस इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। हेपाटाइटिस भी किससे, हेपाटाइटिस की क्या वजह है, उसका कॉजिटिव एजेंट क्या है, एच वायरस, ठीक है, विच इज स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड होती है बाई यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस के थ्रू, ठीक है, एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वही जो मैंने आपको पीछे बताया। And in this case also doctors advise us to be careful and avoid the point of contact. और इस केस में भी डॉक्टर जो है वो हमें एडवाइस करते हैं कि हम जो है वो केयरफुल रहें, ठीक है, और जो जहाँ पर भी और ये कंटेमिनेटेड सिरिंजेस जो है इनको यूज़ करने से ना रोका जाता है बेसिकली। अब आप लोगों ने पढ़ लिया प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ा आप लोगों ने, तो हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ जस्ट मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड सम शॉर्ट क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड रेफरेंस। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, मैं इनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इनके करेक्ट ऑप्शंस भी बता देती हूँ। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्व्ड बाय, आप लोगों ने फूड की प्रिजर्वेशन में पढ़ा, मैंने आपको पॉइंट बताया, एक ही टेक्निक हमने डिस्कस की थी विच इज द पास्टराइजेशन। पास्टराइजेशन स्पेसिफिक है जो कि यूज की जाती है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पास्टराइजेशन। ओके, द सेकेंड वन इज द सेकेंड ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज द प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स आर कॉल्ड एज, फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोन्स, सेकेंड इज ट्रांसजेनिक प्लांट्स, थर्ड इज म्यूटेंट एंड द लास्ट ऑप्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड एनिमल्स। क्लोन्स तो वो होते हैं जो क्लोनिंग के थ्रू हम लोग ऑर्गेनिजम्स जो हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको हम क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है, उनके अंदर हम लोग डीएनए इंसर्ट नहीं करते, ठीक है, वो बिल्कुल जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं अपने ऑर्गेनिज्म की जिनसे उन जो क्लोन प्रोड्यूस किया थे। आपने एक नाम सुना होगा डॉली शीप, जो कि एक क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म है, क्लोन शीप है। मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं उनके सेल्स में या टिश्यूज में, उनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और यहाँ पे बेसिकली प्लांट्स की ही बात की गई है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई फॉरेन डीएनए उनके सेल्स में इनकॉर्पोरेट किया हो, इंसर्ट किया हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ओके वेट अ मिनट, ओके, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, और इसका ट्रांसजेनिक प्लांट्स। थर्ड वन, वी हैव अ वायरल डिजीज विच इज क्लेम टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड,
अच्छा, ये जो है ये नेक्स्ट टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है, इसको आप अभी छोड़ दें। द फोर्थ वन इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय द पेस्ट आर कॉल्ड एज, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यूज होते हैं पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में, पेस्ट को किल करने में, पेस्टिसाइड्स, यस पेस्टिसाइड यूज होते हैं पेस्ट को किल करने में। बट आप लोग देखें कि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज हो रहा है, तो इसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड यूज हुआ होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड, सी ऑप्शन है फंजिसाइड एंड द लास्ट ऑप्शन इज बायोपेस्टिसाइड। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो ये बायोपेस्टिसाइड का करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक गिवर्स यूज। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसी टेक्निक जिससे हमें पता चल जाता है दैट विच न्यूट्रिएंट्स इज असेंशियल एंड नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। और उसकी थोड़ी सी टेक्निक का बता दें और इसका यूज़ क्या बताया था मैंने आपको कि एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन द स्पेस। सेकेंड जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पास्चराइजेशन, आप लोग बताएं कि पास्चराइजेशन वॉज डेवलप बाय लुइस पास्चर एंड इट इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, सिंपल। नेक्स्ट इज हाउ एड स्प्रेड, एड की जो मैंने आपको बताई, एड इज अ डिजीज जो कि स्प्रेड कैसे होती है, मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, पहले आप बता दें दैट इट इज कॉज्ड बाय एचआईवी एंड इट स्प्रेड थ्रू फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड यूजिंग कंटेमिनेटेड सरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड लास्ट वी हैव, लास्ट क्वेश्चन वी हैव द व्हाट इज मेंट बाय इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है, इट इज द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजास्ट्रस डिजीज और ऑल द कॉमन डिजीज ऑफ द प्लांट दैट कैन बी अचीव बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मैथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। Such an approach of disease control is called as integrated disease management. Like I have told you that it involves all the methods, ठीक है, which are used for the prevention of the disease. So this is all about today. Thank you very much. Allah Hafiz.